ना रदो, अर्थात जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, ऐसे आप भक्त वत्सल भगवान के शिष्य हैं, तो मेरे पुत्रों को जीवित कर दो। मुझे बड़ी ही लज्जा आती है कि माँ को देखो तो एक नव युवती की तरह है और पुत्र बूढ़े दिखाई देते हैं। तो नारद जी ने गीता वेद मंत्र के श्लोकों से जल छिटका, उनके कान में मंत्र को फेंका, परंतु वह थोड़ी से हिले और फिर मूर्छित हो गए। नारद जी ने सोचा कि मैंने इतने वेद मंत्रों का श्लोक इन्हें सुनाया, पर ये बालक उठते क्यों नहीं। तो उसी आशा से वह सनत कुमार जी से आज कह रही है कि मैं आपके पास इसी उद्देश्य से आया हूँ कि क्या कारण है कि वह वेद मंत्र से भी नहीं जगे, आप मुझे वह उपाय बतलाइए। तो नारद जी कहते हैं कि उनके वह वेद मंत्रों से नहीं जगेंगे, उन्हें भागवत के 18,000 श्लोकों का श्रवण कराइए और जिस भागवत का श्लोक सुनने से ही वह जागेंगे। और इसके बाद नारद जी वहां आए और भक्ति महारानी को साथ में गंगा किनारे की ओर ले गए। तो आइए हम भक्ति महारानी के साथ उनके दो पुत्रों को लेते हुए हरिद्वार में गंगा की ओर ले चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादश स्थान में लिखा है कि श्रीमद् भगवान की कथा की महिमा भला कौन वर्णन कर सकता है। भागवत तो स्वयं ही नारायण है और नारायण की कथा कहने के लिए स्वयं नारायण को ही जन्म लेना पड़ता है।
इसीलिए भगवान श्री हरि ने वेद व्यास जी के रूप में जन्म लेकर सारे संसार में भागवत रूपी ज्ञान दिया और चार श्लोक में यह कथा हमें बतलाई और उसे ही व्यास जी ने 18,000 श्लोक में बनाकर हम तक पहुंचाया। और उद्धव जी ने जब श्री कृष्ण का अंतिम समय था उस समय पूछा कि आपके जाने के बाद संसार के जीवों की रक्षा कौन करेगा, तो भगवान ने उस समय तेज से भागवत के रूप में परिवर्तित हो गए और बोले कि आज से यह मेरा बांगमय अवतार है और जो भागवत की शरण लेगा वह मेरे ही समान भगवान के रूप में जाना जाएगा। और इस प्रकार अतः सत्सु दयाम कृत्वा भक्त वत्सल माम व्रजः भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारो अपि चिन्मयः। भक्त को ही अपना सर्वस्व मानने वाले भगवान, भगवान के लिए लक्ष्मी भी कुछ नहीं है, राधा भी कुछ नहीं है, उसका सब तो उसका भक्त है। और भक्त को ही अपने पूरे जीवन की दौलत मानने वाले भगवान भी, जब भक्त की पुकार होती है तो निराकार से हम कहते हैं कि निराकार भगवान को सगुण अवतार लेने की आवश्यकता क्या है, परंतु जब भक्त आर्त स्वर में पुकारता है तो भगवान भी सगुण रूप में आ जाते हैं। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़, और उसी जूनागढ़ में एक संत का जन्म हुआ जिनका नाम था नरसिंह मेहता। बचपन से ही इन्होंने माता पिता का मुख भी नहीं देखा, जैसे ही इनका जन्म हुआ इनके माता पिता, माँ भी दुनिया में नहीं रही और पिता भी उसी क्षण के पहले चल चुके थे, तब उनके भाई भाभियों ने उन्हें पाला और अपने भाई भाभियों के अधीन ही रहकर उन्होंने अपना जीवन गुजारा। तो जैसे ही बाहर से घूमकर आते तो आकर उनकी भाभी ताना देती, जैसे ही वह कहता कि भाभी जी भोजन लगा दो तो कहती, हाँ लाला अच्छा आ गए हो ना, थोड़ा कलेक्टर जैसे कमा के आए हो ना, ठीक है ना, मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूंगी तो और किसकी सेवा करूंगी, तो ऐसे ताना उन्हें मारने लगी। और परंतु वह भक्त उस समय भी कि भाग्य मेरा विपरीत है, अतः अपमान के घूंट भी पीकर वह उसे सहन कर लेता। और एक बार उसे जब हृदय में चुभन हुई तो वह घर छोड़कर बाहर आ गए। नगर के बाहर एक भगवान का मंदिर था जहां भोलेनाथ विराजमान थे, और शंकर जी के मंदिर में वह बेचारा बालक भूखा प्यासा बैठा रहा। और शिव जी ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो भाई, भला कौन हो? उस समय उस बालक को तो भगवान की महिमा भी नहीं मालूम थी। तू क्या चाहता है जो यहाँ इतने दिन से बैठा है? तो नरसी ने कहा, अरे घर में वहां मेरी भाभी जीने नहीं देती और यहाँ तुम भी मेरे पीछे आ गए, हटो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति से बैठने दो। तो शिवजी ने पूछा कि क्या चाहता है तू? तो गुस्से में आके नरसी कहते कि तेरी सबसे प्यारी चीज मुझे दे दे। तो भगवान ने कहा कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरा कन्हैया है। उसी समय शिवजी की कृपा हुई और राष्ट्रेश्वर भगवान की ऐसी झांकी नरसिंह जी को प्रकट हुई कि नरसी नरसी नहीं रहे, नरसी भगत रहे। बोलो राष्ट्रेश्वर भगवान की। तो एक दिन वह तीर्थ यात्रा करने वहां बहुत सारे संत कुछ गांव में आए। तो पहले ऐसा रहता था कि द्वारिकापुरी की यात्रा में लोग जाते थे तो गांव में कोई महाजन आदि रहता था तो उनकी हर जगह पहचान रहती थी, तो यहां से लिखवा लेते थे कि इतने का भंडारा मेरी तरफ से होगा। तो वहां पर उन्होंने पूछा कि भाई हम तो तीर्थ यात्रा में द्वारिका जा रहे हैं और जूनागढ़ से द्वारिका 300 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा कोई चोर डाकुओं के डर से हम धन भी नहीं ले जा सकते, तो कोई दानदाता अगर यहाँ लिख दे तो वहां हम भगवान का भंडारा कर सके। तो उन्होंने यहाँ वहां देखा तो गांव में तो पापी ही लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि किसके यहाँ इसे भेजूं। तो उन्होंने मजाक में कहा कि वो नरसिंह भगत एक बहुत बड़ा महाजन है, तुम उसके यहाँ चले जाओ, वह द्वारिका के लिए भगवान की हुंडी लिख देगा। तो साधु संत आज नरसिंह जी के घर में पधारे और तभी नरसिंह जी के यहाँ पहुंचे और कहने लगे कि भाई महाजन साहब आप तो बड़े दानी हैं, पूरे गांव वाले ने बतलाया है, तो कृपया करके आप एक दान पत्र लिख दो तो हम द्वारिका में दिखाकर उससे भंडारा करा सकें। तो उस समय नरसिंह जी ने सोचा कि मेरे द्वार में आज एक अतिथि कुछ मांगने आया है, और अगर मेरे द्वार से अतिथि वो भी द्वारिकानाथ के भंडारे के लिए मुझसे कुछ दान लेना चाहता है और मेरे द्वार से आज अगर अतिथि खाली हाथ लौट जाता है तो मेरा तो जीवन में इतना दरिद्र हूँ और परमेश्वर किस प्रकार में
और कितने जन्म तक कष्ट न भोगूं। आज नरसिंह जी बड़े दुखी हैं, परंतु उसी समय उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई साथ ना दे तो केवल अपने कन्हैया को याद करो, और उन्होंने झट से कागज में लिख दिया कि द्वारिका में मेरे मित्र हैं सावरिया सेठ, तुम यह पर्ची उन्हें दिखा देना, वह आकर तुम्हें वह दान दे देंगे। और इस प्रकार उस समय के दान के अनुसार 10% की हुंडी उन्होंने लिख दी, और सभी संत वहां से जाकर द्वारिकापुरी पहुंचे और पूछते हैं, भाई यहां कोई सावरिया सेठ नाम का महाजन है क्या? तो पूरे द्वारिका में उन्होंने पूछ डाला, परंतु इस नाम का कोई महाजन उन्हें नहीं मिला। तो वह निराश होकर बैठ गए कि लगता है हमसे धोखा हुआ है, सावरिया सेठ नाम का तो यहाँ कोई महाजन नहीं, नरसी ने हमसे शायद मजाक किया है। उसी समय भक्त बत्सल भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए माथे पर पगड़ी बांधकर पीछे एक गठरी को लपेटे हुए आते हैं कि भाई यहाँ नरसिंह जी के भेजे हुए कोई संत महात्मा आए हैं क्या? तो सभी दौड़ते हुए जाते हैं, हाँ सेठ जी हम ही हैं, आप कौन है? तो बोले कि मैं सावरिया सेठ हूँ, नरसिंह जी ने मुझे बताया था। और उधर भक्त बत्सल भगवान सावरिया महाजन का रूप धारण करके आज संतों के पास पहुंच गए, और अरे भाई नरसिंह जी की हुंडी ले लो और हमारा उद्धार करो, अपना रुपया गिन लो पूरे हैं कि नहीं। तो सभी संतों ने गिना और बोला भाई पूरे हैं। अब भगवान के आंखों में आंसू हैं और बोलते हैं, भाई मेरे कारण से तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ, मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, और आज स्वयं भगवान रो रहे हैं। तो संतों ने आज नरसिंह को धन्यवाद दिया। तो ऐसे एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान निराकार रूप से साकार रूप में भी आ जाते हैं। हमारे भक्तों का कार्य पूर्ण हो, ऐसे हमारे भगवान हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो संसार से नहीं उस कन्हैया से करो, क्योंकि अंत समय में तेरे पुत्र तुझे मरने के बाद 10 कदम भी छोड़ने नहीं जाएंगे। अरे 13 दिन तक तेरा श्राद्ध करेंगे, उसके बाद जब तेरी तिथि आएगी तो याद कर लेंगे। भला तुझे अपने पिता के पिता का भी याद है कि कभी तूने उनका कोई कार्य किया है? तो फिर तू किसके लिए यह संचय कर रहा है? परंतु वो कन्हैया उस समय भी तेरी उंगली पकड़ने आएगा और तेरे साथ हमेशा रहेगा। और इस प्रकार हम मनुष्य हैं जिसका प्रेम हमेशा बदलता रहता है। जब हम जन्म लेते हैं तो माता से प्रेम करते हैं, और जब थोड़े बड़े हुए तो माँ बुरी लगने लगती है। जब वह कहती है कि बाहर नहीं खेलना, उस समय हमारा प्रेम बदल जाता है, हम मित्रों के साथ खेलने लगते हैं। और जब और बड़े होते हैं तो हम पत्नी जब आती है तो पत्नी से प्रेम करने लगते हैं, उस समय भी हमें सब जब सलाह देते हैं तो बुरे लगते हैं। और जैसे पुत्र होते हैं तो वह पत्नी भी बड़ी बुरी लगने लगती है। तो मनुष्य का यह प्रेम पात्र हमेशा बदलता रहता है, और इस प्रकार समय जाते ही परिवर्तन होता है। जो कभी प्राण प्यारी लगती थी आज वो प्राण जैसे दिखने लगी, और उसका तिरस्कार करने लगता है। जिस माँ की उंगली पकड़कर वह बड़ा होता है, वही माँ की सीख उसे बात को बुरी लगने लगती है। और संतान होने पर जब उसे संतान के प्रति आसक्ति होती है तो माँ पत्नी भी बुरी लगने लगती है। अतः जीवन हमेशा अपना पात्र बदलते ही चले जाता है। श्रीमद् भागवत शास्त्र अगर बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। और आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को किस लिए भक्ति करते हैं? केवल संसारिक सुख के साधन के लिए। एक कथा करते हैं और पंडित जी से बोलते हैं 100 रुपये की दक्षिणा देके कि फल मिलना चाहिए। जब लाखों वर्ष तपस्या करके भी भगवान की प्राप्ति सतयुग में नहीं होती थी, परंतु ये कलयुग है जहाँ 100 रुपये की कथा में भी बस सोचता है कि मुझे करोड़ों का लाभ हो। भगवान से सांसारिक सुखों की अपेक्षा करके की हुई भक्ति स्वार्थ कहलाती है, जो सार्थक नहीं होती, इसलिए लोग दुखी होते हैं। और श्रोताओं में सुखदेव कौन है? सुख का अर्थ है जो श्रोताओं के हृदय में शोक उत्पन्न कर दे, वही सच्चा सुखदेव है, वही सच्चा व्यास है। जो श्रोताओं के आप लोगों के हृदय में आस उत्पन्न कर दे कि मैं परमेश्वर का हूँ, वही व्यास है।
और नहीं तो व्यासस्य सम वैश्यस्य, व्यास और वैश्य अर्थात व्यापारी में कोई अंतर नहीं। आज के मैं व्यास लोग केवल व्यापारी हो गए हैं कि आज अच्छे यजमान नहीं है तो आज मैं ये चरित्र नहीं सुनाऊंगा, जब पैसे वाले आएंगे तो अच्छा चरित्र सुनाने लगते हैं। तो यह वैश्य या व्यापार का मंच नहीं है, व्यास वह है जो आस दूर कर दे संसार से और केवल परमेश्वर में लगा दे, और सुखदेव वही है जो श्रोताओं के हृदय में शोक उत्पन्न कर दे, और कथा सुनने के बाद अगर लगे कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया, अरे मुझे तो परमेश्वर में अपना जीवन अर्पित करना था, तो समझ लीजिए कथा शकल उत्पन्न हो गई, हृदय में शोक उत्पन्न करे वही सच्ची कथा है। कथा सुनने के बाद अगर वैराग्य उत्पन्न हो तो समझ लो कि आप कथा के अधिकारी हो। तो कथा सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। भगवान की कथा या भगवान का चित्र सुनने या देखने के लिए नहीं, चित्र चरित्र है। भगवान की रामायण तो तुलसीदास जी को लिखने की क्या जरूरत थी हिंदी में, कि यह चरित्र घर घर में लोग पढ़ें और मर्यादा का पालन करें। मुझे घर घर में राम राज्य को स्थापित करना है, तो कथा का मनन करो, कथा को ध्यान करो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है, वहां आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और ज्ञानी था और इतना दानवीर था कि उसके बराबर उस क्षेत्र में कोई नदी नहीं था। अब तुंगभद्रा नदी कहां पर है? तो कर्नाटक में जो पंपापुर, जहां सबरी माता ने जन्म लिया, उस स्थान से ही तुंगभद्रा नदी का आगमन हुआ और वह पूरे कर्नाटक में। तो यह कथा जो है यह कर्नाटक में गोकर्ण क्षेत्र है, जहाँ गोकर्ण जी का जन्म हुआ, जहाँ पर उन्होंने कथा कही, तो उस स्थान को गोकर्ण के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, उसकी पत्नी का नाम था धुंधला, और आत्मदेव जितना पवित्र और मधुभाषी था, उसके विपरीत उसकी पत्नी विपरीत स्वभाव वाली, बड़ी क्रूर और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। बात बात में अपने पति से झगड़ा करती, पति कहते जो तो वह उसका विपरीत ही कार्य करती। सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। संसार में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो धुंधली के समान है, अर्थात हमेशा अपनी बात ही मनवाने में लगी रहती है। आनंद रामायण में एक वृत्तांत आता है कि एक ब्राह्मण की भी पत्नी धुंधली के समान झगड़ालू थी, जो पति कहता उसके विपरीत करती। पति कहता कि आज हमें घूमने जाना है, तो वो कह देती कि नहीं जाना है। तो पति कह देता कि नहीं जाना है तो कैसे नहीं जाऊंगी, मेरे बाप ने क्या तुम्हें गुलाम बनने के लिए भेजा है, मैं जरूर जाऊंगी। तो हमेशा वाम स्वभाव अर्थात विपरीत कार्य करने वाली थी। तो एक बार पति ने कहा कि प्राणेश्वरी आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, पितर पक्ष आया है, तो चलो हम प्राणेश्वरी कहकर आज अपनी पत्नी से निवेदन करता है कि आज हम पिता का श्राद्ध करते हैं। तो प्राणेश्वरी दो प्रकार की होती है, अर्थात जो पत्नियां हैं प्राणेश्वरी, ये दो प्रकार की होती है। अगर हमारे अनुसार चलें तो प्राणेश्वरी, और अगर काली के रूप में आ गई तो प्राणेश्वरी अर्थात यमराज की बहन। तो इस प्रकार की वह प्राणेश्वरी हो गई कि जो बात कहते तो उसके विपरीत ही झगड़ालू। तो इस प्रकार पति जो कहता वह ठीक उसके उल्टा करती। पति ने कहा कि आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, पितर पक्ष चल रहा है, तो हम आज पिंड दान करवाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं और उनको भोजन कराऊंगा। तो पत्नी ने झट से विरोध किया कि भला ब्राह्मण को भोजन कराने से क्या होगा, अरे धन का नाश होगा, अरे कोई श्राद्ध बाध नहीं होगा, जो होगा यही ठीक है, आत्मा में ही परमात्मा है। तो ऐसे कहकर उसने उस साल अपने पति के पिता के श्राद्ध ही को बंद करवा दिया। अब कुछ समय के बाद जब उसका पति समझ गया कि यह तो वाम स्वभाव वाली है, मैं जो कहता हूं कि उसका उल्टा करती है, तो पति ने समझ लिया कि उसको कूटनीति से ही जीत सकते हैं। तो वह उल्टा कर करके उसका काम करवाने लगा। तो पति को अगर कुछ कार्य करना रहता तो वह कहता कि फिर अब श्राद्ध आता, पति कहता कि आज मंडला जाना है, मान लो उसकी इच्छा नहीं है जाने की, तो पत्नी से कह देता कि आज तो मंडला ही जाना है मेरे को। एक दिन पहले पता चल गया कि इसके बैग पैक हो रहे हैं मायके जाने के लिए, तो वो कह देता कि हाँ आज तो मंडला ही चलेंगे। तो कहते काय को मंडला जाएंगे, घर द्वार का अच्छा नहीं लगता क्या, अरे घर में दिया जलाओ ये जलाओ। तो इस प्रकार वह उल्टी सीधी बात कह के अपनी बात मनवाने लगा। तो एक साल बीते और फिर पितर पक्ष आया। अब पिताजी का श्राद्ध आया और उसे पुरानी बात याद थी कि मैंने कहा था कि पिताजी का श्राद्ध करना है। तो उसने कहा कि देवी
आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, परंतु इस बार तो मैं सोच लिया हूँ कि इस बार पिंड दान नहीं करेंगे। अरे फालतू की काय की झंझट, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, अपन घर में ही बैठेंगे आराम से। तो पत्नी ने कहा, भला ऐसी भी कोई बात है, उनके खून से जन्म लिया है, उनकी संपत्ति खा रहे हो और कहते हो कि पिताजी का श्राद्ध नहीं करोगे, कैसे नहीं होगा, जरूर श्राद्ध होगा। तो पति कहा कि ठीक है देवी, अब तुम कहती हो तो करा लेते हैं, परंतु मैं कहता हूँ मैं एक ही ब्राह्मण को खिलाऊंगा। वो उल्टे स्वभाव वाली बोली, एक से क्या हो?